अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गल करन जा रहा जी उस सेलिब्रिटी के बारे जिन्हों लोग ध्यान दे रहे चेहरा तेरी पर्सनैलिटी वीडियो चावन के लायक भी नहीं। उस अपने म्यूजिकल करियर का आगाज एज ए लिरिसिस्ट किया यानी कि गाने लिखता हा तो उन्होंने आप में भी इतना ना पता ना उन्होंने इस गल का गुमान आ के फ्यूचर इतना व्डा सुपरस्टार बन गए थे। जो गाना आता या कोई एल्बम आती है तो वो फैन उस त्यौहार के तरीके मनाते यानी कि इतने खुश हो। इस चीज़ तो तुसी उदा रुतबा तुसी उदी फैन फॉलोइंग चेक कर सकते हो यानी कि लोग उस वास्ते उन्हें सुनने वास्ते दीवाने आ तो उस पाँच साल सब कुछ हासिल कर लिया। जोड़े व्डे व्डे आर्टिस्ट जोड़े तो 10 से 15 साल भी अचीव नहीं कर सकते। लोग इन्हों इतना प्यार करते हैं कि इस दे टैटू अपनी बॉडी तो बनवाई फिरते हैं। मैं होर किसी दिन गल कर रहा आई एम टॉकिंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट इन न्यू जनरेशन वन एंड ओनली द गोट सिद्धू मूसेवाला। मेरा सिद्धू मूसेवाला बाकी इस व्लॉग के एंड ते मूसे वाले के फैन वास्ते एक खुशखबरी भी है। मेहरबानी करके व्लॉग एंड तक देखो। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आज तो ठीक एक साल पहले इसी दिन सिद्धू मूसे वाले का मर्डर होता है। मर्डर करती है बिश्नोई गैंग। इस इनवॉल्व होते उसके अपने कुछ पुराने दुश्मन ते सरकार इनवॉल्व दसिया जा। बहरहाल किसी को भी मार देना किसी मसले का कभी भी हल नहीं होता। तो सिद्धू मूसेवाला एक बड़ा ही प्यारा इंसान साध मुरादा तो बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी एज ए आर्टिस्ट हा। उस जे गाने ना किसी ने लिखे तो ना कोई लिख सकता कभी भी। वो जो लिख गया बिल्कुल सच लिख गया वो अज भी वो गाने गलों नज़र आता। सिद्धू मूसेवाले मैं एक प्यारा इंसान क्यों आख्या क्योंकि मैं पहला काम था जी कैंसर कैपिटल होना 6 तारीख में जी वो मैं लवा रहा जी वो अपने ती लवा रहा कोई ग्रांट की कोई कुछ नहीं है ना वो मैं पहले ही कहा सीगा ते वो तो बाद जी सारा पिंड दर बदर काम करी जावांगे सारे पिंड जिन्ने भी काम होंगे जी। तो बड़ा ही डाउन टू अर्थ बंदा हर किसी नु इज्जत देंदा साध मुरादा इस वास्ते आख्या क्योंकि अपनी बुलंदी दे अरूज ते होवण दे बावजूद भी वो साध मुरादे कपड़े सादा कुर्ता पजामा पा के ते खेतां च काम करदा इस वास्ते वो साध मुरादा। बाकी जितने भी कलाकार जितने भी सिंगर हैं जिन्हां दे कोई एक अद्धा गाना वायरल हो गया हिट चला गया वो टोरंटो चले जाते हैं आस्ट्रेलिया चले जाते हैं होमलैंड ही रहने लग पाते हैं जितने ना कोई सिक्योरिटी थ्रेड जितने कोई पता नहीं हिलता किसी की इजाजत तो बगैर। लेकिन इतने पीक के होने के बावजूद भी अपने पिंड रहा हा अपने पिंड कोठी बनाई हुई अपने माँ प्यो को रहा हा। जिस माँ ने सिद्धू नु जन्म दिता सत पीढ़ियां नु सलाम। सिद्धू दी माँ दी सत पीढ़ियां नानके दादके पिंड सारे नु असी सलाम करदे आ। गरीब ते अमीर च कोई फर्क ना करदा सारे फैनां नु अपने नु खुश होके मिलता कदी नहीं ना साख्या भाई ये गरीब आया मैं नहीं मिलना ते अमीर नु मिलना। अक्सर बात होंगे मैं अमीर ना मिलता जो आदि गड्डी लेके आते हैं मैं उन्होंने अक्सर ना मिलता तो जो सादा लीड़े लप्पे चाहता मैं उन्होंने उठ के मिलता। उसकी सोच बड़ी उच्ची आई इन चीज़ों तो ते आज दे मरण तो बाद दिया काफ़ी वीडियो जो तो सामने आदि तो वाकई हैरान हो जाएगा कि वाकई यार तू के लिख गया। इस तरह लगता है कि वह जो गाने लिख रहा शायद वो इन फ्यूचर जाके अपने हाल वेख के आया खला क्योंकि अज की एक एक गल सच्ची हो रही। अज भी वो गाने पहले भी वो गाने आते हैं वो बिल बोर्ड पर चढ़ते हैं अज भी वो गाने आ रहे हैं बिल बोर्ड पर जा रहे हैं। कोई अगर तो कोई गाना आ जाए तो उसको कोई कंपीट नहीं कर सकता वह गाना सब तो उच्चे लेवल पर जाता तो बिल बोर्ड में हाथ ला के आना तो आम जी गल है। अगर उन्होंने मौत ना होंगी तो 2026 के दुनिया का सब तो वड्डा आर्टिस्ट बन बना उसको। लेकिन जिमें रब न मंजूर हो गए उनका उस तरह ही है वो नहीं रहा। लेकिन उनके गाने उन्होंने फैमिली हर 6 महीने बाद साल बाद खुद कह रहे हैं कि असी छड़ते रहेंगे तुहाड़े दिलों च उन्होंने जिंदा रखांगे। इस दफा उन्हें वर्ल्ड टूर भी लाना सी सनी मल्टन के नाल मिलकर तो उन्हें सब तो वड्डा जो पाकिस्तानी अपने फैन साढ़े जन सरप्राइज दिता है वो उन्हें इतना ही आख्या कि मैं पाकिस्तान भी आवागा। इस दफा उन्हें पाकिस्तान भी आना हाँ तो उन्होंने शो हिट जाने बड़ा कुछ होना हा। लेकिन 29 मई 2022 का दिन उन्हें वास्ते अनलक्की साबित होया उस दिन काफ़ी कुछ चेंज हो गया। आज भी मूसेवाला सारा के दिल ही जिंदा है उसका वजूद भावें इस दुनिया ते नहीं है लेकिन वो आज भी हर अपने एक फैन के दिल के अंदर वसदा पिया। रिलैक्सो की चप्पल जमा सिंपल
ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੱਪਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਚੱਪਲ ਛੋਟੀ ਆ ਤੇ ਪੈਰ ਬਾਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕਿਹਦੀ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਬੇਫਿਕਰਾ ਜੱਟ ਸੀ ਬੇਫਿਕਰਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਵਿਊ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਅਜਲਾ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਨੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ 9 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੀਤ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ 295, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰ ਗੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 295 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਇਆ। ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਗਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਡਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਜਨੂਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਚੁਭੇ ਵੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ 9 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ, ਉਮਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ, ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ, ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੀ।